रूसी सेना पर यूक्रेन का लेकिन जबरदस्त पलटवार हुआ है। रूसी सेना पलटवार कर रही है, यूक्रेन ने रूस का फाइटर जेट मार गिराया है। यूक्रेन किस तरह से इस युद्ध में बना हुआ है, यूक्रेन का दावा रूस के फाइटर को तबाह कर दिया है। रूस दावा कर रहा है तो यूक्रेन की तरफ से भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन किस तरह से रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहा है। रूसी सेना पर यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है और इस पलटवार में एक फाइटर प्लेन को मार गिराने का दावा इस वक्त यूक्रेन की सेना द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से रूसी फाइटर को यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है और यूक्रेनी सेना डटकर मुकाबला भी कर रही है रूसी सेना का। हालांकि लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि तेजी से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, कीव के आसपास तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी कीव में मौजूद है रूस के राष्ट्रपति, रूस की सरकार, यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन के राष्ट्रपति। और देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है, यूक्रेन से जंग में रूस ने अपनी युद्ध नीति बदली है। जी के बदले वी मार्क वाले रूसी टैंक्स का काफिला दिखा। बेलारूस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं रूसी टैंक्स, बड़ी संख्या में बेलारूस पहुंच रहे हैं रूसी टैंक। और ये टैंकों का काफिला आप देखिए, रूसी सेना ने अभी भी मोबिलाइजेशन कम नहीं किया है। बेलारूस, रूस, हर तरफ से यूक्रेन को घेरने के लिए टैंक लगातार जाते हुए दिख रहे हैं यूक्रेन की तरफ। ये बेलारूस से रूसी टैंक जा रहे हैं और खास बात यह है कि पहले जो भी रूसी वाहन थे, जो भी रूसी व्हीकल थे रशियन, उन पर जेड लिखा हुआ था, अब उन पर वी लिखा हुआ है, जो ये टैंक देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस के खिलाफ पोलैंड फुटबॉल टीम ने भी मोर्चा संभाला है। वर्ल्ड कप प्लेऑफ मैच में नहीं खेलने का ऐलान किया है। ये साफ कर दिया है पोलैंड ने कि नहीं खेलेंगे वो रूस के साथ। वर्ल्ड कप के प्लेऑफ मैच में नहीं खेलने का ऐलान किया। यूक्रेन पर हमले के विरोध में पोलैंड ने बड़ा फैसला किया है। तो दुनिया में चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर जो टेलीविजन चैनल है, जैसे आरटी टेलीविजन को ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया है, बंद किया गया है, वैसे ही अलग अलग तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है, ये संदेश देने की कोशिश है कि दुनिया इसके साथ नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।